You all are very much aware. In this chapter, basically we will discuss problem related to distance formula, problem related to sectional formula. Okay, problem related to centroid. Okay, and one more concept is also in your book, area of triangle. But ये currently इस बार के syllabus में नहीं है, but मेरा ये मानना है कि आप इसको भी एक बार सीख लीजिए, ठीक है, कि हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, define करेंगे. तो आप इनको भी एक बार जरूर क्या देख लीजिएगा, कर लीजिएगा. तो मैं इस पे भी आऊंगा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं बच्चे कि this topic is not included in this year's syllabus. और एक sectional formula का और आया था बच्चे, which is known as midpoint formula. Okay? हाँ, centroid भी deleted है बच्चे, but इसके questions को देख लेते हैं, ठीक है? अब देखिए क्या हो रहा है. तो my first question start with this one. आप भी start करेंगे. I will give you the options, then I will explain it. Here is a parallelogram. In this parallelogram, your one coordinate is 2, minus 2, 3. Your second coordinate is 6, 7. Your third coordinate is 8, 3. We want to find out the fourth coordinate. And it is very much given to us that A, B, C, D is a parallelogram. Your options are 0, 1, 0, minus 1, minus 1, 0, and 1, 0. Start it. I will help you, and you will see the poll on your screen. जिसका ये questions होता जाए वो अपनी poll में fill करता जाए. I will, जिनको नहीं पता बच्चे, I will tell you the concept later. First of all, you will try it. Very good. I will try to help you. बच्चे आपने एक चीज लर्न की होगी, the diagonals of the diagonals of parallelogram bisect each other. तो that means जो AC का mid point होगा वही किसका mid point होगा, BD का mid point होगा, ठीक. तो I can write this one as X and Y. तो note कीजिए बच्चे, first of all I can find out the mid point of AC. और AC का mid point क्या होगा, 2 + 8 / 2, 3 + 3 / 2. और अगर मैं इसको solve करूं तो we will find it 3, 3. Interesting. Now come on to second midpoint, means to say BD. BD ka midpoint hoga bache x + 6/2, y + 7/2. Now check it. These both midpoints are lie on the same situation. To hum kya karenge bache? फर्स्ट को भी 3 के इक्वल पुट अप कर देंगे एंड सेकंड को भी 3 के इक्वल पुट अप कर देंगे. और जब आप इनको पुट अप करोगे तो मैं बस इतना सा बताना चाहूंगा, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ 0 and -1. यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी. दिस इज द फॉर्मेशन. Got it? Yes, Mukul.
सर सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्यों नहीं हो रहा, या होएगा तो? नहीं बच्चे, डिस्टेंस फार्मूला से हो सकता है, बट वो आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। चलिए मैं आपको डिस्टेंस फार्मूले वाले फॉर्मेट में बताता हूं। अच्छा एक चीज बताओ, क्या पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? नो सर। तो बस फिर डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करें? हाँ आप ये कर सकते थे कि यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस एंड यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस, दोनों को इक्वल रख दो, देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस इक्वल रख दो। बट बच्चे वो एक्स एंड वाई में टू वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगी, विच इज क्वाइट लेंथी। ओके सर। ओके तो दैट्स व्हाई हम इसमें नहीं चले। अच्छा एक चीज और देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चे प्रोवाइड किए जाते हैं। -40, बस आप मेरे को ये बताएंगे कि विच फार्मूला वी कैन यूज टू प्रूव दिस क्वेश्चन। वो कह रहा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आइसोसेलेस, ऑप्शन सी इक्विलेटरल, ऑप्शन डी स्केलर। बस आप मेरे को यह बता दो कि हम कौन सा फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन क्या करें, यूज करें। वेरी गुड, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं सभी के। हाँ आप सभी ओपन हैं। विच फार्मूला वी कैन यूज? सर डिस्टेंस फार्मूला। सर डिस्टेंस फार्मूला। वेरी गुड, तो दिस इज द बेस्ट वे वी कैन फाइंड आउट द टाइप ऑफ ट्रायंगल। चेक कीजिए, योर फर्स्ट फॉर्मेट इज -40, योर सेकंड फॉर्मेट इज 40, योर थर्ड फॉर्मेट इज 03। आप इनको नाम दीजिए बच्चे, लेट इट बी ए बी एंड सी। बिकॉज वी आर फाइंडिंग द टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, देन आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ बी सी, एंड देन आई कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ ए सी। एक डिस्टेंस बच्चे मैं बनाता हूं, बाकी आप लगाइए कि हम कौन सा इसमें करेंगे। एंड आपके पास पोल आ गया है, ट्राई टू फाइंड इट आउट। वेरी गुड वेरी गुड, एक बार लिख दिया करो ऑप्शंस, दैट्स सफिशिएंट। मैं ट्राई नहीं कर रहा, बट आई विल टेल यू, आपकी फर्स्ट डिस्टेंस 8 आ रही हो, योर सेकंड डिस्टेंस इज अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट्स बी सी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 5, एंड माय थर्ड डिस्टेंस ए सी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 5। तो व्हाट वी कैन से, विच काइंड ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं है? बच्चे गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्शन बी। ओके तो इसमें आपने जाना है आइसोसेलेस। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, और आप इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट करें, रीड इट, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। द पॉइंट लाइज ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस, What is the point? The point lies on a perpendicular bisector of these two points. Okay, the point B, 00, 02, 20, and -20. This is your options. मैं बाद में आपके पास आऊंगा, how we can solve that question. और इससे easy question नहीं हो सकता जब आप solve।
which point is lies on a perpendicular bisector of these two points. Let us suppose this is A and this is B. Very good, Adarsh, Aishman, Ahmed, Arham Ahmed, Aryan, Jasmine, very good, Bhaskar. Poll mein participate kiya karo sare. देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, विच विल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट, और अगर मैं इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊं, माइनस टू प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, फर्स्ट पॉइंट इज जीरो, नेक्स्ट माइनस फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू, दैट इज ऑल्सो जीरो, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कौन अप्लाई करेगा, इट्स जस्ट अ जीरो जीरो पॉइंट. इस बार आपका आंसर देख के अच्छा लगा, चेक कीजिए. अब आइए बच्चे थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू हैव अ लाइन सेगमेंट वेयर ए एज 4:2 and B as 8:4. There is one point P which is equal to 2:1. Now you will tell me which relation is satisfied by these three relations. AP is equal to 1/3 AB. Option 2. AP is equal to PB. Option 3, PB is equal to 1/3 AB. Or option D, AP is equal to half of AB. Or pehle question solve karne se pehle ye batayega, which formula we can use to solve this question. Yes. Distance. बच्चे आप सेक्शनल के साथ भी जा सकते हैं, आप डिस्टेंस के साथ भी जा सकते हैं, चेक करने के लिए आप मिड के साथ भी जा सकते हैं. ओके, तो इट्स अप टू यू, बनाइए जरा. Very good. चलिए पॉइंट्स तो आपको दिए हुए हैं, जो भी आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं. देखिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बच्चे. एपी ये रेफरेंस होता है, तो इफ आई विल फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एपी तो यू विल गेट 2-4
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस 2 1। तो आप चेक कर रहे हैं आपके पास एपी की डिस्टेंस क्या आ गई, √5। नेक्स्ट आई विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एबी, एबी की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 8 माइनस 4 4 स्क्वायर 16, 4 माइनस 2 2 2 का स्क्वायर, तो इट बिकम्स 20। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 √5। अब एक हमारे पास डिस्टेंस अभी बाकी है विच इज इक्वल टू पीबी, तो पीबी को हम क्या लिखेंगे बच्चे, 8 माइनस 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90। तो ये बन गया 94। तो आपके पास आंसर क्या हुआ बच्चे, 3 √5। जरा नोटिस कीजिएगा, हमने यहां पे एपीबी फाइंड आउट कर लिया, हमने यहां पे एबीबी फाइंड आउट कर लिया, और हमने यहां पे पीबी भी फाइंड आउट कर लिया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशंस, कि ये रिलेशन इस तरह से आपके पास एग्जिबिट हो सकता है। हाँ जी, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, हाँ रिलेशन तो अभी देखो, जो आपके रिलेशन है ना, इसने लिखा था एपी इज 1/3 ऑफ क्या है, एबी, तो 1/3 तो नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन तो गया। अब इसने क्या लिखा था, एपी इज इक्वल टू पीबी, ये भी नहीं है, ये भी चला गया। अब इसने लिखा था पीबी इज 1/3 ऑफ एबी, ये भी नहीं है, बट आपको दिख तो ये भी नहीं रहा होगा, तो हम इसको कैसे एग्जीबिट करें। अब वो देख लीजिएगा किस तरह से चलेगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ए बी, ठीक है, जो मैं यहां पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, ए बी की वैल्यू क्या थी, 2 √5। इसको क्या लिखा जा सकता था, 2 times of AP, तो AP is equal to 1/2 of क्या हो गया, AP। This is my formation. Got my point? Yes, Arya. Sir, इसको सेक्शनल फॉर्मूले से अगर निकालते तो इसका रेशियो तो सर 1/3 आ रहा है। किस किस का रेशो, हाँ तो रेशो तो बच्चे 1/3 आएगा ही आएगा, किस किस का रेशो बच्चे, अगर आप सेक्शनल फार्मूले से निकालोगे ना तो रेशो नेगेटिव आएगी, ये जो पी पॉइंट है इसको एक्सटर्नली क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, चेक करो जब। और ये जो मैंने पी की लोकेशन ऐसे लिख दी ना, ये जरूरी नहीं होता कि ए और बी के बीच में ही हो, ये पी यहां भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर किसको करता हूं, डिस्टेंस फार्मूला को करता हूं इस क्वेश्चन। सभी बच्चे नोट करें, सेक्शनल में अगर एक्सटर्नल आ गया ना तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक, तो इसलिए किस पे डिपेंड करो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए, डिस्टेंस फार्मूला, ये कभी गलत नहीं होगा, और इसमें आप बहुत गलत करके आओगे अगर आपने सेक्शनल में चले गए। ट्राई करके देखो, सेक्शनल में जो रेशियो आ रही है वो एक्सटर्नल डिवीजन की आ रही है, तो एक्सटर्नल डिवीजन आपको ये कहता है कि जो आपका पी पॉइंट है दैट विल नॉट लाई बिटवीन ए एंड, यानी वो किसी और साइड में है, आइदर ए के साइड में है या किसकी साइड में, बी की साइड में, बट डिस्टेंस में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव वाला चक्कर नहीं होता, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में यू विल टोटली डू विद डिस्टेंस फॉर्मूला, गलती नहीं होगी। ओके, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक और क्या था, क्वेश्चन था, जिसको हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब आ जाइए बच्चे, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये मैं थोड़े से ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं जो रूटीन में हम नहीं करते, और इस क्वेश्चन का आप देखिए आपने क्या क्या आंसर लगाए। मेरा क्वेश्चन बच्चे अभी ये है,
कि यू हैव अ वन सर्कल हू सेंटर लाइज एट 0, 0. नेक्स्ट, योर सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड द पॉइंट इज 13/2, 0. आपने बताना है बच्चे विच पॉइंट ऑफ दीज विल नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. बिल्कुल नई टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा. हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट इंटीरियर में लाई नहीं कर रहा सर्कल. या आप ऐसा कह लीजिए कि आपने ये बताना है विच पॉइंट इज एक्सटीरियर, यानी इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा. और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि विद विच यू कैन सॉल्व दिस फॉर्मूला डिस्टेंस सेक्शनल और एंड. यू ऑल आर ओपन राइट. Which formula you can use to prove this? Distance formula. बिल्कुल distance लगेगा बच्चे, but it's little bit lengthy. हाँ जी, कैसे करेंगे? बड़ा simple सा है. First of all, find the distance between these two points. This is your radius. Okay? और आप बड़े ध्यान से देख रहे होंगे कि इस radius की value आ रही होगी 6.5. आगे ना, अब क्या होगा बच्चे? अब आप ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करें. ठीक, फाइंड आउट दिस माइनस दिस, इट बिकम्स 9/16 प्लस 1, तो ये आ गया 5/4. 5/4 इज लेस देन 6.5. इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो सर्कल के कहीं अंदर ही लाई कर रहा है, तो ये तो इंटीरियर पॉइंट हो गया. इंटीरियर मींस हुज डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, तो वो इंटीरियर ही है ना इसके. नाउ कम ऑन टू सेकंड पॉइंट. अब मैं ओरिजिन से सेकंड पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा. 4, 49/9. इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चे ये आ जाएगा 85/9. इसकी वैल्यू आ रही है 3 point something. देखो ये भी लेस देन 6.5 है, तो इसका मतलब ये भी इंटीरियर में चला गया, यानी इंटीरियर मींस सर्कल के अंदर ही है ये पॉइंट. अब इससे चेक करूंगा बच्चे, इससे ओरिजिन की डिस्टेंस बनाऊंगा तो 25 + 1/4 का अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये आपके पास आ रही है 5.02. दिस इज ऑल्सो लेस देन 6.5, तो इसका मतलब ये भी इंटीरियर है. बस फिर एक ही बचा. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज. अभी स्टोरी शुरू हुई है, अभी तो देखते जाइए. अब मैं इस पॉइंट से ओरिजिन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूं. प्लीज इसको चेक कीजिए. दिस माइनस दिस 36, दिस माइनस दिस 25/4. इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 169/4, मींस टू से 13/2, मींस टू से कि ये वाला पॉइंट भी आपके पास सर्कल में के एक्सटीरियर में नहीं लाई कर रहा, ये वाला पॉइंट भी ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, ऑन द सर्कल. बट उसने कहा था विच डज नॉट लाई इंटीरियर, तो इंटीरियर में तो फिर ये पॉइंट नहीं हुआ ना, ये ऑन द सर्कल है. देखो सर्कल में तीन तरह के पॉइंट्स होते हैं, lie in the interior, lies on the circle and lies exterior. तो ये point interior तो नहीं हुआ ना, तो this point lies in the, does not lie in the interior. But basically हमने इसमें सीखना क्या था कि how we can execute the distance formula. Question थोड़ा सा lengthy था तो वो आप सबको पता ही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर lengthy है तो करना ही पड़ेगा. Okay? Now come on to one simplified question. The distance between these two points, 4P and 10. ये आपके NCERT का एक question है.
दिस इज ए बी, ए बी इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? स्टार्ट कीजिए. मैसेज में लिख दीजिए बच्चे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी. ए 4 ओनली, बी -4 ओनली, सी 0, डी None of these. चलिए अब आपका देखते हैं आईक्यू. Fill in the poll. Very good. Fill कीजिए, कोई बात नहीं. Apply the distance formula. 4 minus 1, 3, 9, p square is equal to 5. 9 plus p square is equal to 25. p square is equal to 16. So p is equal to plus minus 4. यहाँ पे क्या गया गया? Positive 4 only. No. Negative 4 only. No. 0. No. तो इसका जो आंसर आएगा, अगर आपको अवेलेबल हुआ आंसर, तो इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4. ठीक, मैंने जानबूझ के वो क्या कर दी, चेंज कर दी. अदरवाइज ये हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से क्या है, आना है. हाँ, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा बच्चे, जस्ट आपसे बस इतनी सी चीज पूछूंगा कि हाउ यू विल चेक 4, 3, 6, 4, 5, -6 एंड -3, 5. दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. आप में से कोई भी, इफ यू वांट टू टेल कि हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. हम नाम दे सकते हैं बच्चे, ए बी सी एंड डी. यस तान सर, वाई डिस्टेंस फॉर्मूला. कैसे कैसे बोलिए? इफ द ऑपोजिट साइड आर इक्वल देन इट इज पैरेललोग्राम. इतना कहने से काम चल जाएगा? No, फिर और क्या करना पड़ेगा? It's diagonal answer be equal. Okay. ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? Yes, Aryan. Sir, midpoint formula से A और C का midpoint should be equal to B और D का midpoint. इतने से काम चल जाएगा? क्योंकि मिड पॉइंट तो रोम्बस के भी सेम होते हैं बच्चे, याद है? सिमरन सर, वी विल हैव टू चेक वेदर द डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ सी डी एंड डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू बी. एक मिनट, ए बी इज इक्वल टू सी डी. ओके, नेक्स्ट. AD is equal to BC. चलिए अगर हम इसको ऐसे मान लें कि ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, तो
तो आप यू मीन टू से आप ये चेक करोगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड देन बी सी इज इक्वल टू क्या है डी है. मेरा बस इतना सा पूछना है बच्चे, अगर हमने ये चेक कर लिया ठीक, तो क्या हम बोलेंगे कि यस दिस इज अ पैरेललोग्राम या कुछ और चेक करना पड़ेगा? हाँ जी, अगर AC नॉट इक्वल टू BD हुआ तो ये पैरेललोग्राम होगा. दोबारा से रिपीट करो. फिर अगर AC नॉट इक्वल टू BD हुआ तो ये पैरेललोग्राम होगा. ओके, और अगर इक्वल हुआ तो ये रेक्टेंगल होगा. एंड रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होती? फिर अगर इसके डायगोनल इक्वल हो गए तो ये रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो ये पैरेललोग्राम है. नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन बच्चे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे पास जो रेक्टेंगल अगर आ गई तो वो पैरेललोग्राम नहीं होती? होती है सर. फिर तो भाई तो ये सारी कहानी खत्म होगी. चलिए कुछ किसी और से पूछते हैं. मोक्षिता, हाँ जी दीजिए अपने विचार. सर रेक्टेंगल हाउ कैन इट बी पैरेललोग्राम बिकॉज़ सर रेक्टेंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इन पैरेललोग्राम द पैरेलल साइड्स आर इक्वल. ये क्या बोल रहे हो, रेक्टेंगल की ऑल साइड्स कब इक्वल होती हैं? जैस्मीन, देखिए एक क्वेश्चन में हम फंस गए सर. चलिए मुकुल. सर इसकी एक तो पॉजिटिव साइड पैरेलल सॉरी मतलब कि इक्वल हुई तो पैरेललोग्राम, और साथ में सर डायगोनल अनइक्वल होनी चाहिए. और सर अगर किसी तरह से ये प्रूव हो जाए कि ये पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होएगा. सर आपके बाद भी सही, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं. ओके चलिए आते हैं हम. सर मैंने पढ़ा है कि अगर quadrilateral has two opposite sides equal then it is a parallelogram. angle 90 degree hota hai, sare angle to rectangle hota hai. So hum keh sakte hain ki all rectangles are एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सच में जैसे समर का आ रहा है, समर कोकरेजा, वेरी गुड. आपको ना जब प्रूव करना हो कि दिस इज अ पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड अगर आप प्रूव कर देते हो ना बच्चे, अब मेरी बात के पे थोड़ा ध्यान देना, अगर आपने अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दी तो वो एक प्रॉपर्टी होगी. उसके बाद एक प्रॉपर्टी और आती है जो अभी आप में से किसी ने बताया, ठीक है, कि अपोजिट साइड इक्वल होने का मतलब ठीक है कुछ भी बन सकता है. और बट इसमें एक चीज और होती है कि हम फिर ये चेक करते हैं बच्चे कि AC और BD का जो मिड पॉइंट है वो सेम होना चाहिए. और अगर ये सेम है तो डेफिनेटली ये किसको फॉलो कर रहा है, पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहा है. और रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए भी सेम ही होता है, बट उसमें फिर ये वाले एंगल कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए. तो इसमें साथ में एक कौन सा पॉइंट जोड़ लिया करो, डायगोनल के मिड पॉइंट्स वाला जोड़ दिया करो अगर पैरेललोग्राम में चल रहे. अच्छा एक चीज और इंटरेस्टिंग, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, ये पैरेललोग्राम है ही नहीं बिकॉज व्हेन यू फाइंड द डिस्टेंस तो इसमें अपोजिट साइड की डिस्टेंस क्या नहीं हो रही, इक्वल नहीं हो रही. तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है. तो ये क्या हो सकती है इन अदर सेंस, कुछ और हो सकती है, मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइप में कुछ भी हो सकती है, बट ये क्या नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है इस क्वेश्चन से. ओके नाउ सी माय वन मोर क्वेश्चंस. अब देखते जाइएगा एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके पास, माइनस वन एंड माइनस टू, फोर एंड थ्री, टू एंड फाइव एंड माइनस थ्री एंड जीरो. आप कैसे प्रूव करोगे कि ये रेक्टेंगल है?
हाँ जी कोई भी अब मैं आपको डिस्टिंक्शन करनी बताऊंगा बच्चे पैरलोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में यस सर अगर हमें ऐसे रेक्टेंगल सर प्रूफ करना तो सर इसके जो डायगोनल्स का सर मिड पॉइंट सर दोनों सेम होना चाहिए तो फिर ये तो पैरलोग्राम भी हो सकती है देखो एक चीज ध्यान से देखना आगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये प्रूव करोगे कि ए बी एंड सी डी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी पैरलोग्राम के केस में भी यही होगा और रेक्टेंगल के केस में भी होगा अब सुनो क्या होगा आगे रेक्टेंगल के केस में ये होगा बच्चे उसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए दैट मींस टू से ए सी इज इक्वल टू किसके आएगा बी डी के इक्वल आएगा टोटल लेंथ तो ये रेक्टेंगल है ओके अब पैरलोग्राम कब है ठीक क्योंकि अगर कोई चीज रेक्टेंगल बन गई तो वो डेफिनेटली क्या होगी पैरलोग्राम तो होगी होगी बट एक चीज और हो सकती है हो सकता है इसके डायगोनल इक्वल ना हो तो फिर आपको पता लग गया कि ये रेक्टेंगल नहीं बट ये पैरलोग्राम स्टिल हो सकती है तो उस केस में क्या होगा आप इन दोनों के मिड पॉइंट को चेक कर ठीक है किनको चेक कर लेंगे मिड पॉइंट को चेक कर लेंगे तो फिर ये किस प्रॉपर्टी में चला जाएगा पैरलोग्राम यानी पैरलोग्राम में डायगोनल इक्वल भी हो सकते हैं डज नॉट इक्वल भी हो सकते हैं और अगर डज नॉट इक्वल टू हुए टू कंफर्म इट कि दिस इज अ पैरलोग्राम तो हम दोनों का एसी और बीडी का मिड पॉइंट चेक करेंगे अब क्लियर हो गई सारी बात ओके तो ये भी आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी अच्छा बच्चे एक चीज है मैं बार बार बता रहा हूं आपके एरिए वाले क्वेश्चंस चले गए ठीक बट फिर भी मैं एक बार आप सबको फार्मूला बता रहा हूं तो आप नोट कर लीजिएगा वैसे तो हम अननेसेसरी कर रहे हैं पर फिर भी चलिए कई बार चीजों को अननेसेसरली भी कर लेना चाहिए ठीक है इफ समबडी आस्क यू कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विद वर्सेस दिस ठीक आपको क्या करना है 1/2 फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट अगेन फर्स्ट पॉइंट अब आगे की कहानी ये लीजिए 1/2 मैं ऐसे करवाता हूं बच्चे 1, 2, 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 × 5 = 15 प्लस 1 × 8 = 8 1 × 2 = 2 नेगेटिव का साइन अब इनको मल्टीप्लाई जिनको मैंने ब्लू से लिख दिया पहले नेगेटिव लगा दें 1 × 2 = 2 1 × 5 = 5 3 × 8 = 24 ओके सॉल्व इट 1/2 15 × 8 = 23 प्लस 2 25 नेगेटिव 31 दिस इज ये बच्चे मैंने ना मैग्नीट्यूड लिखा है मैग्नीट्यूड का मतलब है एरिया कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी तो वो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा अल्टीमेटली तो आप उसको लिखेंगे 6/2 विच इज इक्वल टू 3 तो उसका एरिया कितना आएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स एक चीज इंटरेस्टिंग और देख लीजिए ये आपको ये भी कह सकता है बच्चे प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर कोलिनियर का मीनिंग सुनिए तो क्योंकि अब तो आपको एमसीक्यू आने हैं तो कोलिनियर का मतलब होता है विच विल लाई ऑन अ सेम लाइन देखो अगर कोई 2 पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करें तो आई कैन डू इट विद स्ट्रेट लाइन सॉरी डिस्टेंस मैं क्या करूंगा ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा और ए सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा तो AB + BC = AC होना चाहिए
बट एक तरीका उसका और हो सकता है बच्चे, अगर वो पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या कुलीनियर है, तो अगर मैं उससे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूंगा, उस ट्रायंगल का एरिया किसकी इक्वल आएगा, जीरो की इक्वल। तो आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट फॉर्म, अगर उसका एरिया जीरो आ रहा है तो उसका मतलब वो तीनों के तीनों पॉइंट्स किस में लाई कर रहे हैं, एक ही सिंगल स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो ये किसी फॉर्मेशन को एक चेक करने का क्या हो सकता है, मेथड हो सकता है, वेदर दीज थ्री पॉइंट्स आर लाइज ऑन अ लाइन और नॉट। ओके, यस प्लीज, जल्दी से। सर इसको हम स्लोप से निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं बच्चे, बट स्लोप का आपको कॉन्सेप्ट शायद मैंने नहीं करवाया। ओके सर। ओके, यस मुकुल। सर वो आपने ऊपर जो समझाया था कि रेक्टेंगल पैरेलोग्राम के बीच में डिफरेंस, वो सर दोबारा बता दो, समझ नहीं आया कि कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। कुछ नहीं करना बच्चे, सिंपल सी, पहले तो ये तो करना ही करना है कि ए बी इज इक्वल टू किसके आएगा, सी डी के, और बी सी इज इक्वल टू किसके आएगा, ए डी के आएगा। अगर ए सी और बी डी इक्वल हो गए तो ये रेक्टेंगल भी है, और जो रेक्टेंगल होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पैरेलोग्राम भी होती है, ठीक है। बट अगर ये इक्वल नहीं हुए तो इसके चांस थोड़े से बन जाते हैं कि ये क्या हो सकती है, पैरेलोग्राम हो सकती है। बट पैरेलोग्राम के लिए आपको कंफर्म करना होगा कि उसके मिड पॉइंट क्या होने चाहिए, डायगोनल्स सेम होने चाहिए, अगर सेम है तो फिर पैरेलोग्राम। ओके, तो ये आपके पास क्या थे बच्चे, क्वेश्चंस थे किसके रिलेटेड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड। ओके, हाँ, एक सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में ये है बच्चे, इस चैप्टर में से केस स्टडी का क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस, ठीक है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे क्वेश्चन सेंड करूंगा, कोशिश करूंगा आज या कल, ठीक है। आप अगर ऐप के साथ अटैच होंगे तो वहां पे तो आपको साथ की साथ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, वेर यू विल फाइंड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप इस चैप्टर में से ज्यादा, जैसे आपकी बुक में ना क्वेश्चन सा नहीं दिया हुआ, वो ऐसे करके लाइने सी बना के इस पॉइंट पे है एक आदमी, इस पॉइंट पे है, आप देखिए 6.12 पे है कुछ ऐसा सेक्शनल फार्मूला, ठीक है। तो आपके केस स्टडी इसमें से पॉसिबल है पूरे पूरे, तो मैं आपको कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस भेजूंगा रिलेटेड टू दिस टॉपिक, क्योंकि लास्ट भी मैंने ये शुरू किया था पर मैं आपको क्वेश्चन नहीं भेज पाया था, तो टुडे यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चंस।